हाय एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंडिया के बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म डाउटनेट पे। मैं हूं योगेश चंद्र शुक्ला और स्वागत है आप सभी का आज के इस जबरदस्त सेशन पे, जिसपे हम चर्चा करने जा रहे हैं जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग। और उसमें हम आज बात करेंगे कि कैसे हमने कृषि के क्षेत्र में बीटी, कॉटन, आरएनई, इंटरफेरेज, ये बेहतरीन बेहतरीन मेथड जिसमें हमने जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी का यूज किया और यूज करके कुछ अद्भुत सा बनाया, उस अद्भुत से प्रक्रिया का आज हम क्रियान्वयन करेंगे, आप तक इसकी जानकारी पहुंचाएंगे। तो सभी विद्यार्थियों को आज के शाम की बहुत शुभकामनाएं। गजब की ठंड पड़ने लगी है, अपना ख्याल रखिएगा। याद रखिए, एग्जाम में आपको बहुत अच्छा करना है, समझ रहे हैं आप मेरे प्यारे प्यारे बच्चे। मैं नहीं हूं वहां पर आपको प्यार से समझाने के लिए, बुझाने के लिए। तो अपना बहुत ध्यान रखें, ठंड में इधर उधर ना घूमें, ठीक है, घर पे ही रहिए और अपना पूरा ध्यान रखें और दिन भर पढ़ाई करते रहिएगा। आप हमारे कल के टॉपर हैं, आप हमारा नाम रोशन करेंगे। और अगर आपको ठंड लग गई तो हमारा क्या होगा, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखिएगा। और अपने ध्यान को याद रखना कि आप पे जान बसती है हमारी, तो इसलिए अपना ध्यान पूरी तरह से रखिएगा जनाब, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की कहानी, रजाई पे दुबके हुए, बढ़िया ठंड पे चाय की प्याली लेते हुए, और पढ़ते रहिए मेरे साथ यूट्यूब पर आज का ये सेशन, जिसपे हम बात करने जा रहे हैं बीटी कॉटन एंड नया टॉपिक हमारा एक और होगा आरएनए इंटरफेरेज मेथड। हम इन दोनों विषयों पे डिटेल में बात करेंगे। चलिए जनाब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन की सबसे पहली बात है, ये आपका चैनल है जनाब, नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। सो प्लीज डू सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी साझा कर दीजिए, क्योंकि ये टॉपिक आज का बहुत जरूरी है। मैं बहुत आसान भाषा में आपको समझाऊंगा कि आखिर बीटी कॉटन काम कैसे करता है और आरएनए इंटरफेरेज मेथड किस चीज का सॉल्यूशन है, हम उसे कैसे करते हैं, ये चीज हम बात करने वाले हैं। तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं जनाब तो सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके अलावा आज की पीडीएफ किधर मिलेगी, वो मिलेगी इस टेलीग्राम हैंडल पे जिसका नाम है योगेश सर बायोलॉजी। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, नाम है योगेश शुक्ला बायोलॉजी। अलग अलग माध्यमों से जुड़ा हुआ ये टॉपिक, ये चैनल, और मैं आपका योगेश चंद्र शुक्ला हर जगह अवेलेबल हूं आपके लिए। दिन हो या रात, ठंड हो या गर्मी, बरसात हो या फिर कुछ भी, आपके एग्जाम हो या ना हो, स्कूल खुला हो या बंद हो रहा हो, दुनिया चल रही हो या ना चल रही हो, कोरोना हो या सामान्य दिन, हर समय आपकी सेवा में खड़ा हुआ आपका ये दोस्त योगेश शुक्ला आपके लिए हमेशा लगा हुआ है। तो आप भी लगे रहिए अपने लक्ष्य की तरफ आगे, आपके सपोर्ट सिस्टम बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। कमेंट सेक्शन पे करिए जोरदार रोर की यस सर, वी आर रेडी फॉर द सेशन, हम आज के सेशन के लिए तैयार हैं। और फिर स्टार्ट किया जाएगा आज का ये कार्यक्रम। मेरे साथ आज हमारे साथ बच्चे हैं, हमारे साथ है अखिलेश, हमारे साथ रानी, मनीष, श्रुति, श्रीजा, कुमारी, यदुवंशी, आफरीन, सत्या, मैलीना, गुरप्रीत, और कौन है भाई, खुशी है हमारे साथ, आदित्य है, ओहाना है, नूर, नाजेश, श्रुति, प्रिया, सृष्टिराज, राजपूत, हर्षवर्धन, चंदन, और कौन है, चमेली, और बहुत सारे बच्चों का प्यारा प्यारा सा नाम मैं देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी सभी बच्चों को आज का विनम्र स्वागत है। सबसे पहली कहानी आज मैं आप लोगों से पूछूंगा, उस चावल का नाम बताइए जिसमें विटामिन ए पाया जाता है जो हमने बनाया है। बताइए, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जैव प्रौद्योगिकी का हम GMOs बनाए थे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बनाए थे, और उस पौधे का नाम क्या था जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। जनाब तेजी से जवाब बताइए, विटामिन ए में पाया जाता है वो चावल, विटामिन ए उसमें पाया जाता है, उस चावल का नाम क्या है, गोल्डन राइस। यस, उसे गोल्डन राइस की तरह सुनहरे चमकते हुए बच्चों आज मैं आपको सबसे पहले पढ़ाने जा रहा हूं बीटी कॉटन। हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं बीटी कॉटन के बारे में, हम बात करेंगे कि बीटी कॉटन असल में है क्या। प्रॉब्लम को समझिए जनाब, प्रॉब्लम को समझिए, हमारे पास एक समस्या है। हमारे पास समस्या ये है कि एक विशेष प्रकार के पौधे जिसका नाम है कॉटन, रुई का पौधा था, और उस रुई के पौधे पे बहुत सारे कीट, जिसमें कुछ लैपिडोप्टेरेंस हैं, कुछ कोलियोप्टेरेंस हैं, कुछ डायोप्टेरेंस हैं,
ये तीन प्रकार के समूह के कीट, जिसमें मक्खी आते हैं, मच्छर आते हैं, कीट आता है, बॉलवॉर्म आता है, ये सब नुकसान पहुंचा रहे थे कॉटन को। ये कहानी उस दौर की है जब कॉटन पे हमेशा जीत होती थी कीट की। कीट आते थे, लाखों करोड़ों की फसलों पे चढ़ते थे, उस कॉटन को पूरा बर्बाद कर देते थे, बर्बाद करके रख देते थे, पूरी कॉटन खराब, और खराब कॉटन किसानों की आत्महत्या का कारण बनता था। तो ये किसानों का बहुत बड़ा दुख था, कुछ नहीं किया जा सकता था। कॉटन पे केमिकल डालते, कॉटन खराब हो जाता, कॉटन पे रसायन और भी कीटनाशी डालते, कॉटन खराब हो जाता, हम कुछ नहीं कर पा रहे थे जनाब। जीवन में कष्ट ही कष्ट था, और इस कष्ट के बाद निकल कर आया एक सिद्धांत, आया हमारे पास एक बैक्टीरिया। जब आप बताते हैं बेटा, एक बैक्टीरिया जिसका नाम है बैसिलस थुरेनजेनेसिस, इस नाम को याद कर लीजिए, किसी हीरो से कम नहीं है, संभाल के रखिएगा इस नाम को, बैसिलस थुरेनजेनेसिस। इस बैक्टीरिया के बारे में जानिए, ये एक बैक्टीरिया, एक ऐसा बैक्टीरिया, ठीक है, इस बैक्टीरिया के बारे में समझ रहे हैं, इस बैक्टीरिया का नाम जानिएगा। इस बैक्टीरिया को लोग छिड़कते थे पहले, इस बैक्टीरिया को कॉटन के ऊपर छिड़क देते थे पहले, तो वहां पर कीट मर जाता था। बोले हाँ ऐसा होता है, इस कीट को देखने के बाद पता चला कि सिर्फ छिड़कने से, अगर मैं सिर्फ इसको छिड़क दूं, छिड़कने से कीट मर जाता था, कीट मरता था, मर जाता था, तो लोगों को इसमें एक अवसर नजर आया। लोगों ने सोचा, और साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि भाई साहब, अगर बैसिलस थुरेनजेनेसिस के पास इसको मारने की क्षमता है, मतलब ये क्षमता कैसे आती है, ये क्षमता आती है एक जीन से जिसका नाम रखा गया क्राई जीन। बहुत शानदार जीन है, तो प्रोटीन भी बनाता होगा, तो हमने कहा कि ये प्रोटीन बनाता होगा क्राई प्रोटीन। क्राई क्यों कहते हैं, क्राई का मतलब होता है बेटा क्रिस्टल प्रोटीन। क्या नाम रखा हमने इसका, क्रिस्टल प्रोटीन। क्रिस्टल है, निष्क्रिय है, ये क्या है, ये निष्क्रिय है, इसे अपन निष्क्रिय आविष कहते हैं, ये जहर है लेकिन निष्क्रिय है। ये पता चला कि बैसिलस थुरेनजेनेसिस के पास एक जीन है, जीन का नाम है बेटा जी क्राई जीन, और वो क्राई जीन क्राई प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोटीन का जहर है जो उसके शरीर में जाने के बाद यह विष कीट के कहां पे जाता है, कीट के जो आहार नाल है उसमें कौन सा केमिकल मिलता है आपको पता है, आहार नाल, कैसा आहार नाल होता है बेटा, क्षारीय आहार नाल होता है, में सक्रिय हो जाता है। सक्रिय होकर उसके आहार नाल में सक्रिय होकर आहार नाल को भेद देता है, आहार नाल में छेद करता है, छेद कर देता है, और जैसे ही आहार नाल में छेद हुआ कीट की मृत्यु हो गई। कैसी लगी कहानी मुझे जल्दी बताओ, कीट की मृत्यु हो जाएगी। शॉर्टकट में कहानी कैसी लगी, मृत्यु हो जाती है। हल्का हल्का आपको समझ में आया, आपको हल्का हल्का समझ में आया बेटा जी, हमको यहां पर भी देखिए, हमारी बात को समझिए कि नाम है बैसिलस थुरेनजेनेसिस, यह अगर छिड़कने भर से कीट मर जाता है तो हम इसको जीन को ले लेते हैं, इस जीन का नाम रखा गया क्राई जीन। अब इसको डालना है कॉटन में बेटा जी, तो कॉटन में डालना है तो क्या पकड़ के डाल देंगे तो चला जाएगा, बिल्कुल नहीं, वाहक चाहिए होगा। वाहक कौन बनेगा बताइए हमको, पौधे का वाहक कौन है, पौधे का वाहक है टीआई प्लाज्मिड। मैंने बताया था हम इससे पहले एक बैक्टीरिया का मन परिवर्तन कर चुके हैं, बैक्टीरिया का नाम था एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशियन, यह बैक्टीरिया ट्यूमर फैलाता था, उस ट्यूमर फैलाने वाले जीन को काटा और उसकी जगह अपना जीन डालना है, नाम रख दिया टीआई प्लाज्मिड। हमने क्या नाम रखा, ठीक है आप मुझे बताइए, टीआई प्लाज्मिड में डाल दिया, और अगर हम उस वाहक में हमने इस बीटी जीन को डाला और उसे ऐड कर दिया कॉटन में, किसमें डाल दिया कॉटन में, कॉटन में डालने के बाद अब हर कॉटन के अंदर चला गया,
जब हर कॉटन के अंदर चला गया तो उस कॉटन को अब कीट खाने गया, बड़े चाव से खा रहा था। खाते खाते ये जी ने अपने आप को प्रोटीन बनाया, प्रोटीन एक्टिवेट हो गया, गेम हो गया ब्रो, खत्म, कीट खत्म हो गया। एक कीट को मारा ना तो सारे कीट डर गए ना, क्यों वाला वाला बात हुए ना, हिला डाला ना, सारे लोगों को मार डाला रे। अब जब सारे लोगों को मार डाला तो अब कौन कीट आएगा इनके पास? बिल्कुल नहीं आएगा, और सारे कीट की कहानी खत्म। और कीट मरे, अब दोबारा कॉटन की तरफ कोई नजर उठा के नहीं देखेगा। कुछ समझ में आया बात को? जल्दी बोलिए, कुछ बातें समझ में आई? बस इतनी सी कहानी है बीटी कॉटन की, समझा बात को? गलत हुआ ना? हां जी, लिखना है भाई, वो डायलॉग मत लिख देना कि सर क्यों हिला डाला ना, वाला डायलॉग नहीं लिखना है, बाकी ये सारी बातें शॉर्टकट में अपने को लिखनी है बाबा जी। चलिए तो आइए एनसीईआरटी की लाइन को समझते हैं, एनसीईआरटी की कहानी को समझते हैं कि इस कहानी को एनसीईआरटी शॉर्टकट मैंने बता दिया, आपके दिमाग में बातें बैठ गई, अब एनसीईआरटी की हाईलाइट कर लेते हैं। काम का इतना ही है भाई, काम का इतना ही है, ये डायग्राम आप बनाना सीख गए, मामला आपको सब सीखे, ये शॉर्टकट है। आइए समझते हैं आपको लिखना क्या है। देखो भाई, सबसे पहली बात ये है कि हमारे पास पीड़क नाशी बहुत ज्यादा उपयोग होता था, दिमाग खराब होता था, तो हमने बीटी एक प्रकार का जीव विष है, एक जीव है जो विष की तरह काम करता है, एक जीव जो है विष की तरह काम करता है, जीव विष कह दिया मैंने उसे। क्यों जीव विष है भाई? इसका नाम है बैसिलस थुरैंजिनेसिस, शॉर्टकट में इसका नाम बीटी 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 कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे तुम्हारा नाम होता है ना, कि मतलब यार किसी का नाम डीजे, किसी का नाम आरजे, किसी का नाम एके, किसी का नाम कुछ और, किसी का नाम कुछ और, एसआरके, वैसे इसका नाम बीटी है, हीरो से कम नहीं है ये, बीटी नाम है इसका, बैसिलस थुरैंजिनेसिस। यह एक विष है, यह विष ऐसा है कि इसके पास में क्या होता है, एक जीन है जिसका नाम है क्राई जीन। यह क्राई जीन क्राई प्रोटीन बनाता है, क्रिस्टल प्रोटीन। यह प्रोटीन अगर मैं कॉटन के अंदर डाल दूं तो कॉटन को कोई नजर उठा के नहीं देख सकता, उसके अंदर उसकी आत्मा डाल दी हमने। तो बैसिलस थुरैंजिनेसिस क्या होता है, अगर इस जीन को जीवाणु से क्लोनीकृत करके पौधों में डाल दिया जाए तो कीटों के प्रति प्रतिरोधकता पैदा हो जाती है, जिससे कीटनाशक के उपयोग की समस्या नहीं रह जाती। अगर मैं बैसिलस थुरैंजिनेसिस का जीन जो है अगर मैं डाल दूं किसमें, बैसिलस थुरैंजिनेसिस का जो जीन है वो अगर मैं कॉटन में डाल दूं, पॉसिबल है जी, बिल्कुल पॉसिबल है। हम उस जीन को लेंगे, जीन को पकड़ के डालेंगे वेक्टर में, और वेक्टर से हम उसे डाल देंगे डायरेक्टली किसी प्लांट में जिसमें कॉटन में डालना होगा। ठीक बात है, इससे हम बीटी कॉटन बना सकते हैं, बीटी मक्का बना सकते हैं, बीटी धान, बीटी आलू, बीटी टमाटर, बीटी सोयाबीन, सब बना सकते हैं। इन सब में हम ये चीजें डाल सकते हैं, बीटी कॉटन, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी सब चीज हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक बात है, हमारी बारी है बीटी कपास बनाने की, हमारी बारी है बीटी कपास बनाने की। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखना, हमने देखा किसको, बैसिलस थुरैंजिनेसिस को। सारे बच्चे बहुत ध्यान से समझना, बैसिलस थुरैंजिनेसिस से एक जीन लिया, नाम क्या रखा, क्राई जीन नाम रखा, क्राई जीन ले लिया। इसके अलावा हमारे पास एक बैक्टीरिया था जिसका नाम है बच्चे एग्रो बैक्टीरियम, और एग्रो बैक्टीरियम जिसे हम ट्यूमनी फेशियन कहते हैं, फेशियन ये बैक्टीरिया का नाम है, और इस बैक्टीरिया के अंदर एक प्लाज्मिड होता है, इस प्लाज्मिड के अंदर ट्यूमर फैलाने वाला जीन है जिसे हम टीआई प्लाज्मिड कहते हैं। हमने इससे लिया प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड यूज किया है बेटा, नाम है टीआई प्लाज्मिड, बढ़िया। और ये है हमारा क्राइजीन, ये है हमारा क्राइजीन। ठीक है भाई, प्लाज्मिड को कट करना पड़ेगा, तो हमने क्या किया, प्लाज्मिड को कट किया, जो हमें ट्यूमर फैलाता था उस वाले जीन को कट किया, और उसकी जगह हमने इन दोनों को डाल दिया।
इन दोनों को डालने से हमारे पास बन गया बच्चे कौन सा प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है। और इस प्लाज्मिड को अब हम डाल देंगे कॉटन में, प्लांट में डालेंगे। अब याद रखना, इसको हम डालते हैं कॉटन में, इंसर्ट करते हैं, डालते हैं। जब कॉटन में इंसर्ट करते हैं तो मान लेते हैं ये कॉटन का एक पौधा है, कॉटन की एक कोशिका है, इसमें ये प्लाज्मिड चला गया, इसने खूब सारी कॉपी बनाई, कॉपी बनाने के बाद सभी कोशिकाओं में पहुंच गया, सभी कोशिकाओं में जीन पहुंच गया। अब सभी कोशिकाओं में जीन पहुंच गया, मान लेते हैं पहुंच गया। पहुंचने के बाद क्या होगा बेटा जी, जीन तो पहुंच गया, जीन पहुंचने के बाद अब इस जीन को एक बात याद रखना, अब मान लो ये कोशिका है, ये एक पौधा है कॉटन का, मान लेते हैं ये कॉटन का पौधा है और वो भी बीटी कॉटन का। मजाक मत समझना इस बीटी कॉटन को, इंसेक्ट खाने आया, कीट खाया। जैसे ही कीट खाया तो कीट की आहार नाल में मसला हो गया, कीट की आहार नाल में जो क्राई जीन था उसने बनाया था बाबू क्राई प्रोटीन, और क्राई प्रोटीन होता है क्रिस्टल, मतलब रवेदार, मतलब इन एक्टिव था, ये निष्क्रिय था बेटा। ये आहार नाल में मिला कौन सा पीएच, क्षारीय पीएच मिला। जैसे ही क्षारीय पीएच मिला तो यह जो है क्रिस्टल क्या हो गया पता है, क्रिस्टल घुलनशील हो गया। क्रिस्टल जैसे ही घुलनशील हो गया तो यह विष, यह जो आविष था, विष जो था ना, वो विष कीट को मार डालेगा, कीट की आहार नाल को भेद देगा, आहार नाल को भेद देगा, और भेदने से आखिरी में क्या होगा जी, मार डाला रे, मृत्यु हो गई। क्या हो गया, मृत्यु हो गई। बस इतना सा फ्लो चार्ट अगर आप अपने एग्जाम में बनाने में सक्षम है, एग्जाम में पूरा नंबर मिलेगा, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। क्या कहती है पब्लिक, हां या ना बात, ऐसे फ्लो चार्ट में पढ़ने में कुछ अलग ही मजा आता है। थ्योरी आप कितना ही देख लीजिए, अरे सत्यम राजपूत ये काला बोर्ड, पीला इंक और इतना बड़ा बीटी तुमको छोड़ के मेरा बाल सफेद दिख रहा है, मैं बूढ़ा हो चुका है, समझ रहे हो, मेरे बालों को मत देखो बेटा, इसको देखो, बोर्ड देखो, जीवन में कुछ बढ़िया होगा, समझे। ऐसे ही लिखना है गुप्ता जी, आप एग्जाम में लिखेंगे बढ़िया नंबर मिलेगा, इसी को शॉर्टकट कहते हैं, समझ लीजिए बात को, क्लियर है, बढ़िया। हमारा बाल मत देखिएगा, ठीक है, चलो भाई आ जाओ। तो बैचलर स्टूडेंट जेनेसिस की अब थोड़ी और कहानियां एनसीईआरटी में समझ लेते हैं कि इसमें कुछ ऐसी नस्लें हैं जो प्रोटीन को बनाती हैं, जो किसको मारती है, मैंने बताया था लेथ्री डोपटेरेंस को, जैसे सैनिक कीड़ा ये सबको मारते हैं, कोलियोपटेरेंस भृंग को मारते हैं, डायपटेरेंस मक्खी मच्छर को मारने में सहायक है। बैचलर स्टूडेंट जेनेसिस किसे किसे मारता है, बैसलस थुरैंजेनेसिस कोलियोपटेरेंस को, डायप्टेरेंस को एंड लेपिडोप्टेरेंस को, ये तीनों को मारता है, याद रखना, लिथोडोप्टेरेंस, कोलियोपटेरेंस एंड डायप्टेरेंस, इन तीनों को मारता है। कैसे मारता है, इनके पास जीन है, जीन से एक प्रोटीन बनता है, प्रोटीन रवे का निर्माण करता है, प्रोटीन क्रिस्टल का निर्माण करता है, और वो क्रिस्टल में विषाक्त कीटनाशक प्रोटीन होता है, वो कीटनाशक प्रोटीन बनाता है। लेकिन यह जैव विष बैसलस को क्यों नहीं मारता, यह बढ़िया सवाल है, यह बढ़िया सवाल है कि एक बात बताओ, अगर तुम इसको टमाटर में डालोगे और हम टमाटर खा लें तो हम नहीं मरेंगे जी, वही मक्का हम खा लें तो हम मर गए, तो कीट को मारते मारते खुद ही स्वर्गवासी हो गए, दिक्कत हो जाएगा। तो यह कीट क्यों खुद नहीं मरता, बोलना यह केवल क्षारीय पीएच में सक्रिय होता है, यह केवल क्षारीय पीएच में सक्रिय होता है, अम्लीय पीएच पे नहीं, हमारी आहार नाल अम्ली है,
कीट की आहार नाल छाली होचारी होती है, ये बात याद रखना। तो यह जीव विष, बीटी विष, प्राक विष निष्क्रिय रूप में होता है, शुरुआती या निष्क्रिय रूप में होता है। अब इसको सक्रिय करना है तो निष्क्रिय विष को जीव विष को खाता है, जब वो खा रहा है कीट तो निष्क्रिय को खाया है। रवेदार छारी पीएच में नीट का अद्भुत प्रश्न कि अगर हमें इसे एक्टिवेट करना है मुन्ना तो इसे छारी पीएच देना होगा जी, और जब छारी पीएच देंगे तो यह घुलनशील हो जाएगा, मैंने बताया था। तो घुलनशील होकर यह सक्रिय हो जाएगा और सक्रिय होकर उसकी आंत में छेद कर देगा, मैंने आपको बताया है आंत में छेद कर देगा, छेद की कोशिकाएं फूल के फट जाएंगी और फूल के फट के कीट की मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही कीट की मृत्यु हुई माहौल बदल जाएगा, एक संदेश जाएगा कि कोई इस कॉटन को मत खाना, वो सबको जाके बता देगा वेरी डेंजरस कॉटन जी, ये बहुत डेंजरस है, इसको नहीं खाने का है, ये मार देता है और इसको कोई नहीं खा, सारे कीट इससे दूर भाग जाएंगे। ये है गेम प्लान, कुछ समझ में आया? इसे हीरो बनाने के लिए हमने कुछ ऐसा किया है, ठीक बात है। इसके अलावा हमने कपास के लिए काम किया, सबके लिए काम किया, मक्का के लिए काम किया, सबके लिए, और सबके लिए कुछ अलग अलग जीन भी हैं। ये इस लाइन का इंपॉर्टेंट, जैसे अभी हमने कहा क्राई जीन है, इसके प्रकार भी होते हैं, क्राई 1AB, क्राई 1AC, क्राई 2AB, ऐसा करके तीन चार प्रकार है। आइए आपसे डिस्कशन करते हैं आसानी से। बीटी विष अलग अलग प्रकार का होता है, तो कई प्रकार के, चूंकि इसमें क्रिस्टल होता है इसलिए क्राई 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 कह देते हैं, कई प्रकार का क्राई होता है। जैसे कुछ क्राई 1AC होता है, पहला नाम मैंने आपको बताया क्या, क्राई 1AC, आप इसे लिख लेना, और दूसरा इसी का एक और नाम है क्राई 2AB। ये दोनों जो हैं ये मानते हैं बेटा मुकुल कृमि को, मुकुल कृमि का मतलब वही गोल कृमि जो होते हैं, मुकुल कृमि, इनको मारते हैं, इन कीट को मारते हैं, मुकुल कृमि इनको मारेंगे, बॉलवॉर्म जिसे कह सकते हैं, बॉलवॉर्म इसका नाम है याद रखना, मुकुल कृमि, इसे इंग्लिश में वही कहते हैं बॉलवॉर्म, इसको मारते हैं, बॉलवॉर्म के लिए घातक है। और एक और जीन है जिसका नाम है क्राई 1AB, ये क्या करता है, ये मारता है मक्का छेदक को जी, मक्के के अंदर जो छेद कर देता है ना, कॉर्न बोरर कहते हैं इसको, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉर्न बोरर, इसको मार देता है। आज नीट एंड बोर्ड के सारे बच्चे इतनी बातें याद रखेंगे, बॉलवॉर्म को कौन मारा, क्राई 1AC, क्राई 2AB। और दूसरी बात, हमारे पास एक और जीन है क्राई 1AB, ये जो है मक्का छेदक को मारता है। हो गया जी, कैसी लगी कहानी मेरी, जल्दी बताएंगे कि आपका बीटी कॉटन समझ में आया बेडू, हां या ना, जल्दी से कमेंट सेक्शन पे तेजी से बताना, बहुत आसान भाषा में मैंने बताया, ये बहुत डिफिकल्ट पॉइंट है, दिमाग में बैठता नहीं है, फ्लो चार्ट नहीं समझ में आता, फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, इन कमेंट सेक्शन पे बताइए मुझे ये बात समझ में आई है हाँ या ना, जल्दी से। बहुत अच्छा, समझ में आया है, एक नंबर कहानी, मजेदार, बढ़िया। एक और कहानी की तरफ में चलते हैं। एक समय की बात है, तंबाकू नाम का एक पौधा था और उस पर एक नेमेटोड था। अब नेमेटोड क्या होता है, नेमेटोड्स होते हैं भाई जो क्रीमी के टाइप पे नेमेटोड्स पाए जाते हैं, उन नेमेटोड हेलमेंथिस समूह के नेमेटोड्स होते हैं, मेलाडिगाइन इनकॉग्निटा उसका नाम था, गजब का नाम था मेलाडिगाइन इनकॉग्निटा, बहुत खौफ था। इस मेलाडिगाइन इनकॉग्निटा नाम का जो विलन है वो तंबाकू की जड़ों में जाता था और तंबाकुओं को मार देता था, उसके पोषण को खा लेता था, छीन लेता था, छीन के खा लेता था पूरा, और तंबाकू मरने लगा था, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम था, सारे तरफ तंबाकू की कमी होने लग गई। सो तंबाकू लवर लोगों ने, जिन्हें तंबाकू बहुत पसंद था, जुबा केसरी वगैरह बहुत पसंद था, उन्होंने सोचा कि तंबाकू को बचाया जाए इस नेमेटोड से, इस मेलाडिगाइन इनकॉग्निटा से बचाया जाए। कैसे बचाएं आखिर, तो एक नई विधि हम यहां पर जनरेट करेंगे, एक और नई विधि जनरेट करेंगे, और अब हम समझेंगे कि भाई ये पार्ट कैसे बचाया हमने तंबाकू को, इस कहानी को जानते हैं। तो कहानी ऐसी है बेटा कि पीड़क प्रतिरोधी पौधा,
अब वो तो कीट थे, अब कुछ पीड़क भी होते हैं, होता है ना, इंसेक्टिसाइड अलग है और ये जो है ये वीडिसाइड्स अलग है, खरपतवार अलग होते हैं, वीडिसाइड्स अलग चीज है। ये है हमारा पीड़क प्रतिरोधी पौधा। पीड़क, पीड़क मतलब जैसे नेमेटोड, जो कीट नहीं है, जो जंतु जगत के जीव हैं, पीड़क कहलाते हैं वो। वो कीट था, ये पीड़क है, पीड़क से मारेंगे अब हम इसको। तो विभिन्न प्रकार के सूत्रकृमि, सूत्रकृमि मतलब वही वॉर्म जिन्हें नेमेटोड्स कहा जाता है, मानव सहित जंतुओं पर कई प्रकार के परजीवी हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इन्हीं में से एक है मेलवाडिगाइन इनकॉग्निशिया। मेलवाडिगाइन इनकॉग्निशिया, मैं जनरली मेलवाडिगाइन इनकॉग्निटा कह देता हूं इसे, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निशिया इसका नाम है। अरे नाम तो बोलो, कितना सुंदर नाम है, बोलिए जरा। अभी थोड़ी देर पहले एकदम प्यारा सा नाम बताया, पैसलस थुरिनजेनेसिस, मेलवाडिगाइन इनकॉग्निटा। ऐसे नाम सुनकर लगते हैं ओहो हो, मैं किस साइंस को पढ़ रहा हूं। ऐसे नामों को घर में पुकारोगे तो घर वाले तुम्हें ऐसी नजरों से देखेंगे, वाह मेरा बेटा इतना होशियार हो गया, इतने बड़े बड़े नाम जानता है, इतने बड़े बड़े साइंटिफिक टर्म्स को जानता है। तुम्हें देखकर घर वाले ऐसे करके उंगली फोड़ लेंगे, वाह कितना नॉलेजेबल है मेरा बेटा। क्या नाम है इसका? मेलवाडिगाइन इनकॉग्निटा, इनकॉग्निशिया जिसे अपन कहते हैं। ये मेलवाडिगाइन इनकॉग्निशिया सूत्रकृमि है भाई, नेमेटोड है। किसको नुकसान पहुंचाता है? यह तंबाकू के पौधों की जड़ों को। ये भी भूल मत जाना, कहां नुकसान पहुंचाता है, कहां पहुंचाता है, तंबाकू के पौधों की जड़ों पर, तंबाकू के पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है। क्या नुकसान पहुंचाता है? वहां चला जाता है, उसके पोषण वगैरह को खा लेता है, उसकी पैदावार को काफी कम कर देता है। अब इसको संक्रमण करने के लिए हमने एक तरीका देखा, इसका भी गेम करना पड़ेगा, इसको भी मारना पड़ेगा। तो हमने एक नई मेथड बनाए, नाम रखा आरएनए अंतरक्षेप मेथड, आरएनए इंटरफेरेज मेथड। आरएनए इंटरफेरेज मेथड बनाना है और लगभग सभी जितने भी यूकैरियोटिक जीन हैं उनमें कोशिकीय सुरक्षा की एक विधि है। आपसे पूछा जाएगा है क्या जी आरएनए इंटरफेरेज मेथड, आप बताना। आरएनए इंटरफेरेज मेथड एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम सभी यूकैरियोटिक जीवों को बचा सकते हैं। लेट मी एक्सप्लेन, मैं आपको बताता हूं कैसे ये बीमारी फैलती है। पहले शॉर्टकट समझ लेते हैं फिर मामले को क्लियर करते हैं। एक बात बताओ मुझे, मान लो ये हमारा पीड़क है, ठीक, ये पीड़क का जीन है डबल स्टैंडर्ड, मान लेते हैं ये डीएनए है और ये जीन है। ये जीन सबसे पहले क्या बनाता है? एमआरएनए बनाता है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एमआरएनए से बनता है प्रोटीन। और बेटा जी यही प्रोटीन ही तो जहर है क्या? यही तो जहर है जो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आता है तो आने में जहर थोड़ी है जी, वो हमारे शरीर में आके जीन, जीन से फिर एमआरएनए, एमआरएनए से जो प्रोटीन बनाता है ये जहर है। तो अगर मैं देखूं इस एमआरएनए को, मैं देखूं यहां पर, अगर इस एमआरएनए को मैं क्या करता हूं, इस एमआरएनए को थोड़ा साइड में लिए, थोड़ा इधर आओ जी, देखें जरा तुमको कैसे जहर बनाते हो। मान लो इसके पास में एमआरएनए में एडेनिन यूरैसिल साइटोसिन ग्वानोसिन एडेनिन यूरैसिल है, ये कोड है। हम इसे पूछे तुम ही हो जहर बनाते हो, यही है जहर बनाते हो, ठीक है देखते हैं। हम कुछ ऐसा लें जो इसके बाजू में, इसके बाजू में ऐसा ऐसा रखें, एडेनिन हो तुम, आओ जरा तुमको यूरैसिल देते हैं, पकड़ो जरा यूरैसिल हो एडेनिन ले लो, साइटोसिन हो ग्वानोसिन ले लो, ग्वानोसिन हो साइटोसिन ले लो, एडेनिन हो यूरैसिल ले लो, एडेनिन है यूरैसिल ले लो, लो जरा। हमने उसको ये मटेरियल दिया कि जाओ इनके साथ जूझ जाओ, इनके साथ मिल लो। अब ये जो एमआरएनए है वो कैसा एमआरएनए बन गया बच्चे? ये एमआरएनए बन गया डबल स्टैंडर्ड। अब इसको बुला के हमने इसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना दिया। अब बताओ डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए प्रोटीन बनाएगा? कभी नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाएगा। अब सवाल ये है बेटा जी कि अगर ये प्रोटीन नहीं बनाए, अच्छा इसको कहां से लाए वो देखते हैं अपन। इसको अपन लाते हैं वायरस से। वायरस में कुछ जंपिंग जीन होता है बेटा, जंपिंग जीन कहते हैं उसे, दूसरी भाषा में ट्रांसपोजोम कहा जाता है। हम ट्रांसपोजोम से लाए और यहां पर चिपका दिए, चिपका दिए,
और चिपकाने के बाद हमने उसे डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनाया। और प्रोटीन बनाओगे जी? पूछा उससे, बनाओगे? बोले नहीं 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 हम नहीं बनाएंगे, अब हम नहीं मारेंगे। मामला सेट ना हो गया जी, जहर बना क्या? नहीं बना। और जहर नहीं बना, मामला सेट है। बस इतनी सी कहानी है आरएनए अंतरक्षेप की, और क्या, बस इतना ही है। जिसने इसे समझ लिया उसने सब समझ लिया। आरएनए इंटरफेरेंस मेथड खत्म। एक बार और बताएं, ध्यान से सुनेंगे, बोलिए जरा। हमने क्या किया, पीड़क आता है डीएनए में, डीएनए से एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन है बाबू जहर, प्रोटीन ही जो है वो जहर है। हम क्या करें, जहर नहीं बनने देंगे। तो हमने इस ट्रांसपोजोम को लिया और तंबाकू में ना डाल रहे हैं जी। तो तंबाकू में अगर डाल रहे हैं तो कौन सा प्लाज्मिड लगेगा? टीआई प्लाज्मिड लगेगा। हमने ट्रांसपोजोम को पकड़ा और सारा इस तंबाकू में डाल दिया कि इस तंबाकू में जैसे ही इसका मन करे प्रोटीन बनाने का, जैसे ही इसका मने प्रोटीन बनाने का, और इस प्रोटीन बनाने की कहानी को डबल स्टैंडर्ड में बदल देंगे, प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगा, मामला हमारा सेट है। पक्की बात, समझ में आया जी? ठीक है, क्लियर हुआ? आइए समझते हैं, बताते हैं आपको कैसे काम करता है। तो हम इस विषय पे, इसका सिद्धांत कैसा है, दूत आरएनए जो हमारा एमआरएनए है उसका उसका कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के साथ मिलाएंगे तो उससे साथ मिलाने से वो निष्क्रिय हो जाएगा। जो हमारा एमआरएनए है उसे कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए से मिलाकर डबल स्टैंडर्ड बनाकर उसे इनएक्टिव कर देंगे। बढ़िया है, बढ़िया। जिसके फलस्वरूप दूत आरएनए अब ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। इस द्विसूत्री आरएनए का स्रोत कौन है? ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो आ रहा है उसका स्रोत कहां से आ रहा है? इसका स्रोत है वायरस, संक्रमण करने वाले विषाणु में पाए जाने वाले पूरक आरएनए जीनोम, जिसे ट्रांसपोजोम कहते हैं। ये प्रतिकृति के उपरांत बनने वाले मध्यवर्ती आरएनए हैं। तुमसे कभी पूछे कि ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए तुम इनएक्टिव करने के लिए भेज रहे हो इसको, वो कहां से लाए हो जी? ये जो डबल स्टैंडर्ड आरएनए जो है वो कहां से आया है? बोलना वायरस से, जिसे जंपिंग जीन, जिसे ट्रांसपोजोम कहते हैं। अरे कुछ हम भी को सुन लो, पढ़ने वढ़ने आए हो, क्या कर रहे हो? एग्जाम एग्जाम आने वाला है, हमारी बातें कोई सुन रहा है? इतना चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, सर्दी में पसीना आ रहा है हमको। तुम गजब की हो यार, आपस में बात ही करोगे? ओ भैया जी, जन्म दिन आता जाता रहेगा, अगले साल का फेलियर वाला जन्मदिन मनाएंगे। आइए पढ़िए जरा, कहां से आया ट्रांसपोजोम? वायरस से लाया है हमने। वायरस का जो विचलित होता आरएनए है, जो हमें नुकसान पहुंचाता है, उसी को द्विसूत्री आरएनए बनाकर हम ले आए हैं, और लेकर आए हैं ये बात उस पर नुकसान पहुंचाती है। ठीक है भाई, अब हमें पौधे में डालना था, तो संवाहक कौन है जी? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशियम। संवाहक कौन सा लगेगा? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमनिफेशियम लगेगा। क्यों? क्योंकि पौधे में डाला है। पौधे का वाहक कौन होता है? पौधे का वाहक टीआई प्लाज्मिड ही होता है। सूत्र के मिके विशिष्ट जीनों को परपोषी में प्रवेश कराया जाता है। डीएनए का प्रवेश इस प्रकार कराया जाता है कि परपोषी कोशिका में सेंस और एंटी सेंस आरएनए का निर्माण करता है। वहां जाने के बाद ऐसा हमने डीएनए प्रवेश कराया कि सेंस एंटी सेंस दोनों, अगर इधर एडनिन उधर थायमिन, इधर एडनिन उधर थायमिन, इधर एडनिन उधर थायमिन, यूरेसिल, ये सब चीज मैच करेगा। दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होंगे। जब दोनों आरएनए एक दूसरे के पूरक होंगे तो द्विसूत्री आरएनए बनेगा, जो आरएनए अंतरक्षेप प्रारंभ होता है, और इसी कारण से सूत्र किमी के जो विशिष्ट जो आरएनए है वो निष्क्रिय हो जाता है। इस वजह से जो सूत्रकृमि का आरएनए है, जो नेमेटोड का आरएनए है, वो निष्क्रिय हो जाता है, और निष्क्रिय होने के फलस्वरूप पारजीवी परपोषी में अंतरक्षेपी आरएनए उपस्थिति से परजीवी जीवित नहीं रह पाता, वो वहां पर जीवित ही नहीं रह पाता। इस प्रकार से परजीवी जीव अपने आप को बचा लेता है, बच गया हमारा। अब ये पूरी कहानी को इस डायग्राम से समझ लो भाई। एक पीड़क है हमारा, ये डीएनए को अपन को आरएनए, आरएनए से प्रोटीन बना के मारता था। हमने क्या किया, हमने वायरस के जंपिंग जीन को लिया। टीआई प्लाज्मिड किससे मिलता है जी? एग्रोबैक्टीरियम से।
एग्रोबैक्टीरियम से, और एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिनिफेशियन ही तो टीआई प्लाज्मिड होता है क्या कि नहीं होता है? एग्रो बैक्टीरियम, और इससे हमने सेंस एंटीसेंस दोनों भेजा, ये मान लो सेंस तो एंटीसेंस, सेंस एंटीसेंस एक दूसरे को दिया, दोनों मिलकर डबल स्टैंडर्ड, प्रोटीन नहीं बनाएगा, प्रोटीन नहीं बनाया, कौन बचाएगा इसको, कौन बचाएगा? एक बात बताइए, सांभा खड़ा है बंदूक पकड़ के, और सांभा की बंदूक काम ही ना करे तो सांभा को जाके मारेंगे नहीं लोग, मार देंगे काय का सांभर, मार उसको, वही बात है। तो अगर तुम्हारा पीड़क तुम्हारे शरीर में गया और इसके तुमने बंदूक को ही नष्ट कर दिया, बोले मारो उसको, तो तुम्हारा शरीर उसको इंतजार करेगा, बोले क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास मारने का अस्त्र नहीं है, मारो इसी को, मार दिया जाएगा। यही है आरएनए अंतरक्षेप मेथड, यही है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आरएनए अंतरक्षेप मेथड। कह दीजिए कि ये बात बड़ी आसानी से समझ में आ गई है, और कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का सारा उपयोग हमने समझ लिया है। अब हमारे पास एक और बात पढ़ लेते हैं, ये तो कृषि के क्षेत्र में हो गया, एक और बड़ी समस्या है, एक छोटा सा बीमारी बहुत ज्यादा हो रहा है लोगों को, नाम है सुगर, सुना है बहुत। तो अब हम चिकित्सा के क्षेत्र में देखते हैं कि यार चिकित्सा के क्षेत्र में क्या काम कर सकते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में हम काम करेंगे, चलो करते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में। तो सबसे पहला हम बनाएंगे इंसुलिन, एक गजब का बीमारी है जी, नाम है क्या नाम होता है, मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस मधुमेह, इंसुलिन नहीं बनता। बोले क्यों नहीं बनता है, पैंक्रियाज हमारा अग्नाशय है, उसमें बनना चाहिए हमारा इंसुलिन पर नहीं बन पाता है। तो बोले क्या करें, अब नहीं बन पा रहा है, तो बोलेंगे तुम हमसे मांगोगे कि सर थोड़ा दे दीजिए हमको इंसुलिन, हम काहे को देंगे, हमारे शरीर में क्या भर भर के बनता है, फैक्ट्री खोल के रखी है, हम तो नहीं देंगे। फिर बोले कि अब सर तो दे नहीं रहे हैं, कोई दे ही नहीं रहा है, तो थोड़ा सुअर उअर जानवरों के पास भी होता है, उनसे मांगे कि यार दे दो, तुम भी दे दो थोड़ा बहुत। वो दिए भी, फिर बोले कि सुअर का इंसुलिन उपयोग करोगे जी, वो बोला कि सुअर का इंसुलिन उपयोग करोगे, एलर्जी नहीं होगा, तो बोले एलर्जी हो जाएगा, उनसे भी इंसुलिन नहीं ले सकते। बोले अब परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं चल पाएगा, थोड़ा परमानेंट जुगाड़ करना पड़ेगा, तुम्हारे शरीर में इंसुलिन नहीं बन रहा है, दूसरा कोई देने नहीं आएगा, सुअर उअर से कब तक निकालोगे, सुअर मर जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। नहीं ना दे पाएंगे ना जी, हमारे पास क्या बहुत सारा है, हम नहीं दे पाएंगे तुमको, हम तुमसे मांगेंगे तो दोगे कि भैया दो हमको इंसुलिन दो, तो दोगे तुम, बोलोगे नहीं हम नहीं दे सकते गुरु जी, पढ़ाना है पढ़ाइए, नहीं तो हो गया चल बसिए स्वर्गवासी हो जाइए, हम आपको इंसुलिन तो नहीं ना दे पाएंगे। अब यही कहेंगे हमको तो हम पहले ही बता देते हैं, जुगाड़ ढूंढ लिए हैं हम अपना, हम तुमसे मांगने नहीं आएंगे, हम अपना जुगाड़ खुद ही ढूंढ लिए हैं, आइए बताते हैं तुम्हें कैसे करेंगे हम अपना जुगाड़। तो सवाल यह है कि भाई परमानेंट जुगाड़ हमको चाहिए, तो परमानेंट जुगाड़ से पहले हम ये जाने कि असल में ये इंसुलिन होता क्या है जी। इंसुलिन एक हार्मोन है, पैंक्रियाज से बनता है, बीटा सेल से। अब ये कोशिका आपके शरीर में ग्लूकोज के मात्रा को बनाए रखने में मदद करती है, ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखती है, ये हार्मोन जो है आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बनाए रखती है, उसका पाचन अचन उपापचय फटाफट करवा देती है, अवशोषण वगैरह करवाती है, पाचन बढ़िया हो जाता है। पर अगर इंसुलिन ना आए तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब ग्लूकोज अगर बढ़ता जा रहा है, इंसुलिन आ नहीं रहा है, या बन नहीं रहा है, या उपयोग नहीं हो पा रहा है, शुगर बढ़ता चला जाएगा, शुगर बढ़ता चला जाएगा, तो इंसुलिन चाहिए। तो आइए हम इंसुलिन के बारे में थोड़ी बातें बताएं कि इंसुलिन है क्या। बेटा जी इंसुलिन के साथ तुम्हारा भी जुगाड़ कर देंगे, देखिए जरा हम तुम्हारी तरह सेल्फिश थोड़ी है, अपना अपना देखेंगे, सबके लिए जुगाड़ कर रहे हैं, तुम्हारे लिए भी हो जाएगा, देखिए जरा ये है इंसुलिन। इंसुलिन में असल में होता क्या है, इंसुलिन में तीन प्रोटीन होते हैं, देखो ध्यान से समझना, ये मान लेते हैं ऐसा तीन प्रोटीन होता है, ठीक है, ऐसा तीन प्रोटीन होता है, एक फिर से बनाते रखो, ये है हमारा ए पॉलीपेप्टाइड, ए पॉलीपेप्टाइड चैन, ठीक है, एक पॉलीपेप्टाइड चैन है,
और ये है हमारा बी पॉलीपेप्टाइड चैन, बी पॉलीपेप्टाइड चैन, ये हमारा चैन है। ये दोनों आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बॉन्ड का नाम बताइए, नाम क्या है? डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये जनरली इनएक्टिव रहता है, तो हम ए को बी से जोड़ के एक चीज और जोड़ देते हैं, सी पॉलीपेप्टाइड। सी पॉलीपेप्टाइड ये जो है इसका नाम है प्रो इंसुलिन। क्या नाम है बच्चे इसका? प्रो इंसुलिन कहते हैं। ये थोड़ा सा निष्क्रिय होता है। अब हमें इसे सक्रिय करना है, तो क्या करेंगे हम? सक्रिय करने के लिए हमारे पास एक प्रोटीन ए बचा है, ये दूसरा वाला बी बचा है, सी को हम अलग कर देते हैं। अब ये सी वाला अलग हो गया, ये ए है, ये बी है, सी को हमने रिमूव कर दिया। सी को रिमूव किया, इनके बीच में अभी भी डाइसल्फाइड बॉन्ड है और इसको हम कहते हैं इंसुलिन। ये है हमारा इंसुलिन, पहले इसके बारे में जान तो लीजिए। ये है हमारा इंसुलिन, ठीक है? ये है प्रो इंसुलिन, इनएक्टिव है, और हमको बनाना है ये वाला जिसमें ए पॉलीपेप्टाइड हो और बी पॉलीपेप्टाइड हो। तो क्या करें? तो दो प्रोटीन है, एक तो है नहीं, तो एक साथ हम इंसुलिन बैक्टीरिया में नहीं बना सकते, बड़ी प्रॉब्लम है। इसको ठीक करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। तो ये बना है यहां पर इंसुलिन। अब इसे कैसे बनाएंगे, क्या समझेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसकी कहानी समझी जाएगी कि बीटी कॉटन आगे, तो वो तो समझा दिया मैंने। आज मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इंसुलिन बनाना, जीन थेरेपी और एक दो टॉपिक है, फिर नेक्स्ट क्लास में भी हम ये चैप्टर खत्म भी कर देंगे, या फिर हम कुछ बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड की कुछ नई क्लासेस भी आपके साथ करेंगे, ठीक है? समझे बात को? आगे हम समझेंगे अगली कहानी पर। आज की वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे आखिर इंसुलिन बनता कैसे है। तो अगर तुम्हें चाहिए इंसुलिन, नेक्स्ट क्लास में जरूर मिलना। थैंक यू, बाय बाय।